हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी मैंगो फ्रूटी की बिल्कुल आसान और सिंपल रेसिपी। गर्मियों का सीज़न चल रहा है, इस समय मार्केट में ढेर सारे पके हुए आम आ रहे हैं, तो बाज़ार से आपको फ्रूटी लाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेश आम से घर बैठे बनाइए फ्रूटी और मज़े लीजिए पूरी गर्मी फ्रूटी का। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 2 पके हुए आम और 1 कच्चा आम। फ्रूटी बनाने के लिए आप यहाँ पर किसी भी वैरायटी के आम का यूज़ कर सकते हैं, और क्वांटिटी का आप ध्यान रखिएगा 2 पके आम और 1 कच्चा आम। अगर आपके पास कच्चा आम ना हो तो इसकी जगह पर आप 1 नींबू के रस का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्रूटी होती है उसमें हल्का सा खट्टापन भी होता है। तो उसे लाने के लिए या तो आप 1 कच्चा आम ले लें या 1 नींबू का रस ले लें। अब यहाँ पर आम को अच्छे से पील करके इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है और फिर इन्हें एक ब्लेंडिंग जार में डाल दिया है, और साथ ही में इसमें ऐड कर दिया मैंने 1 कटोरी चीनी। ग्राम में अगर आप मेज़र करेंगे तो ये 50 ग्राम है, और अगर आप फ्रूटी को थोड़ा सा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो चीनी की जगह पर आप धागे वाली मिश्री का भी यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिटी सेम रहेगी 1 कटोरी। अब जिस कटोरी से हमने चीनी ली थी उसी कटोरी से 1 कटोरी मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और इसको हमें बिल्कुल बारीक पीस लेना है, बिल्कुल पेस्ट इसका बना देना है। ज़रा सा भी इसमें आम के चंक्स नहीं रहने चाहिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल इसको फाइन मैंने पीस करके तैयार कर लिया है। तो बस यहाँ पर ये हमारा आम का मिक्सचर हो गया है तैयार। अब यहाँ मैंने एक पैन लिया है और पैन को बिल्कुल धीमी आंच में रखना है हमें, और इसमें जो अभी हमने आम को पीस करके तैयार किया है ये सारा मिक्सचर डाल दिया है, और जो मिक्सी का जार था उसी में मैंने 1 ग्लास पानी डाल करके उसको रिंस करके इसमें वापस से ऐड कर दिया है पानी। टोटल यहाँ पर 1.5 ग्लास पानी का हमने यूज़ किया है। अब इसे धीमी आंच में हमें ऐसे ही 5 मिनट के लिए बॉयल होने देना है। लगातार इसे चलाते रहिए और घड़ी देख करके इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए बॉयल कर लीजिए। तो 5 मिनट हो चुके हैं, इसमें एक बॉयल भी आ गया है, तो मैंने गैस की फ्लेम को कर दिया है बंद, और अब इसको हमें छान लेना है। आप चाहे तो इसे ठंडा करके छान लीजिए या ऐसे ही आप इसे छान सकते हैं। छानिएगा ज़रूर, जिससे जो आम के रेशे होते हैं वो निकल जाएँ। तो यहाँ पर मैंने सारे मिक्सचर को इस तरह से छान लिया है, और बस हमारी फ्रूटी हो गई है बनकर के तैयार। तो देखा ना आपने कितना आसान है इसे बनाना, घर पर आप इसे आराम से बना सकते हैं, और वो भी सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ। ना ही इसमें आपको किसी एसेंस की ज़रूरत है, ना ही कलर की ज़रूरत है, बस आम और चीनी की ज़रूरत है, और घर बैठे आप आराम से मार्केट स्टाइल फ्रूटी बना सकते हैं। और अगर एक बार आपने इस तरह से घर पर फ्रूटी बना ली ना, तो आप मार्केट की फ्रूटी पीना भूल जाएंगे, ये इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है, मज़ेदार होती है। तो यहाँ पर मैंने फ्रूटी को कर दिया है सर्व। आधा पोर्शन मैंने फ्रूटी ली है और आधा पोर्शन मैंने लिया है ठंडा पानी और थोड़ी सी आइस क्यूब, और इस तरह से डाल करके इसको मैंने सर्व किया है। सर्व करने से पहले इसको एक बार स्पून से मिक्स ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे जो आम का पल्प है वो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। और बची हुई फ्रूटी को मैंने इस तरह से कांच की बोतल में भर करके फ्रिज में 1 से 1.5 महीने के लिए स्टोर कर दिया है। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, और जब भी आपका पीने का मन हो तब इसमें से आधा आधा पोर्शन फ्रूटी और पानी का ले करके मिक्स करके आप घर बैठे गर्मी भर फ्रूटी का मज़ा ले सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर दीजिएगा इस रेसिपी को, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसी तरह की टेस्टी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।